अभी कुछ दूरी पर आदमपुर में जेपी जी का भाषण चल रहा था, तो वहाँ पे चर्चा चली कि 1 करोड़ में टिकट खरीद दिए सत्येंद्र जी ने, क्या कहना चाहेंगे आप? टिकट खरीद दी गई है क्या? सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है, जो खुद लोग टिकटों की पार्टियों की खरीद फरोख्त करते रहते हैं उनको ऐसा ही नजर आता है। इस तरह की बात आदमपुर विधानसभा में करना, मैं कहता हूँ आदमपुर के जागरूक मतदाताओं का अपमान करना है। ये कांग्रेस कल्चर है, आम आदमी पार्टी का कल्चर नहीं है। ये कांग्रेस का होता है, वो गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उनके यहाँ बिना पैसे के मिलती ही नहीं, और इसलिए वो हल्के में साथ मिलते ढूंढते कहाँ से लाए, कलायत से ढूंढ के लाए कि चल भाई यहाँ तू पैसे दे देगा। हमारे पास तो पैसे वाले हैं ही कहाँ, आम आदमी पार्टी खुद गरीब, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता गरीब, हम तो चने जेब में डाल के लाते हैं, पानी पीते अपना काम करते हैं, ना कैंडिडेट पे कुछ लेते ना पार्टी पे कुछ लेते। क्यों? ये लड़ाई देश को बदलने की है, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। इन पहले गोरों से देश छूटा था, सैकड़ों वर्ष लड़े थे, अब चोरों से देश छूटना है, और हम पूरे हिंदुस्तान से कह रहे हैं चोरों से छुड़ाने के लिए आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तब हिंदुस्तान शिक्षित होगा, विकसित होगा, किसान का सम्मान होगा, युवा को नौकरी मिलेगी, महिलाएं कंधे से कंधा मिला के चलेंगी, और मुस्कुराता हुआ हिंदुस्तान होगा। उस मुस्कुराते हुए हिंदुस्तान को देखने के लिए मेहनत हो रही है, ये सत्येंद्र सिंह को जिताने के लिए मेहनत नहीं है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाने के लिए मेहनत नहीं है, ये मेहनत हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर वन देश बनाने के लिए मेहनत है। और इसलिए हजारों नौजवान आज आदमपुर की गली गली के अंदर घूम रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह बिकाऊ नहीं है, और ना हमारे पास पैसे, ना हम पैसे बांटते, ना हम दारू बांटते। हम ये कहते हैं ये जो गरीब आदमी है, जिस गरीब आदमी का इन्होंने जीना दुर्भर कर रखा है, जहाँ घर में खाने की दिक्कतें हुई हुई हैं, जहाँ पे बड़े लिखे बच्चे गुनाह के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं, जहाँ पे इस देश का अन्नदाता सुबह 4 बजे जब पानी का नंबर आता है तो पैर में बढ़िया जूती उसके पहनने के लिए नहीं है, उनके हालात को सुधारने के लिए, शिक्षा सुधारने के लिए, चिकित्सा सुविधाएं सुधारने के लिए, ये हिंदुस्तान को बदलने की लड़ाई है। और इस लड़ाई के अंदर मैं कहता हूँ पार्टी छोड़ो, धर्म छोड़ो, जाति छोड़ो, हिंदुस्तान को नंबर एक बनाने के लिए काम करो, ईमानदार व्यक्तियों को लाओ, जो जाति और धर्म के नाम पे देश को लड़ाते हैं उनको दूर भगा दो। झाड़ू चलाओ, झाड़ू घर की भी सफाई करती है, गली की भी सफाई करती है, भ्रष्टाचार की भी सफाई करती है, और भ्रष्टाचारियों की भी सफाई करती है। सर कुछ कामों में गए, लोगों को कहना है कि कुलदीप बिश्नोई विकास करे ना करे, लेकिन हमारे समाज क्या है, कहीं ना कहीं जातिगत वोट का हम यही कह रहे हैं, जब तक इस देश के अंदर जाति और धर्म की बात चलती रहेगी ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आदमपुर के सभी भाइयों और बहनों से अपील करता हूँ, सब बुजुर्गों और बच्चों से अपील करता हूँ, नौजवान साथियों से अपील करता हूँ, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करो, ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इसको लड़ो, ये जाति और धर्म के ऊपर ना बांटो। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पिछले 75 साल से ये कह के राज करती आई है, और हिंदुस्तान 121 देशों में से 107वें नंबर पर पहुंच गया, पाकिस्तान से पीछे पहुंच गया, बांग्लादेश से पीछे पहुंच गया, भूटान से पीछे पहुंच गया, बर्मा से पीछे पहुंच गया, थाईलैंड से पीछे पहुंच गया। हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया 85 रुपये का हो गया, हमारा डीजल और पेट्रोल का भाव 100 रुपये पार कर गया, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस देश के अन्नदाता की सोचो। सर कहीं ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि जैसे सत्येंद्र जी पहले बीजेपी में थे फिर कांग्रेस में आए, क्या आम आदमी पार्टी के पास अपने उम्मीदवार नहीं थे कोई पार्टी को देने के लिए? कि जो आम आदमी पार्टी 2012-13 में बनी है और सब कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आया है। सुनिए, जो जो व्यक्ति किसी भी पार्टी में था, जो चाहता है देश विकसित हो, ये देश शिक्षित हो, ये देश स्वस्थ रहे, उन सब का आम आदमी पार्टी में स्वागत है और आगे भी होता रहेगा। सर जिस तरीके से आदमपुर उपचुनाव है, जो 2024 आने वाले इलेक्शन है विधानसभा के, उसके लिए आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं तस्वीर सामने साफ करेगा? तस्वीर साफ है, बिना 1 रुपए के जो गली गली घूम रहे हैं ये दीवाने हैं, ये दीवाने इस देश को बदल के रहेंगे। सर अभी कुछ सुर्खियां चल रही हैं कि मनीष सिसोदिया कल जेल में जा सकते हैं, उनकी हमें जेल में डाल दें, हमें फांसी तोड़ दें, भगत सिंह को भी तोड़ी थी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को डाल रखा है, 1 रुपया नहीं मिला, ना डरेंगे ना झुकेंगे ना बिकेंगे, कुलदीप की तरह सरेंडर नहीं होंगे, अपने दाग छुपाने के लिए कुलदीप बिश्नोई की तरह पार्टी नहीं बदलेंगे। इनकी बहुत ताकत थी, इन्होंने ये कहा मनीष सिसोदिया को कि पैसे भी मिलेंगे आप हमारे पास आ जाओ मुख्यमंत्री बनाएंगे, मनीष सिसोदिया ने कहा कि मैं तो केजरीवाल के साथ हूँ, आप केजरीवाल से बात करो कहाँ जाना है, केजरीवाल बताएंगे। क्यों? केजरीवाल इस देश को विकसित करने के लिए संकल्पबद्ध है।